पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मामन चुंगी के पास से 2 अभियुक्तों की चोरी की एक मोटरसाइकिल, अवैध असला कारतूस से लूटे हुए कुंडल सहित गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर हकीम लाल स्कूल के पास आम के बाग से अभियुक्त के अन्य साथी को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे के कब्जे से लूटे गए सोने के कुंडल, 2 तमंचे, चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 छुरा बरामद किया। लुटेरे लूट की वारदात में करते थे चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल। बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने 7 लुटेरे आकिल, जुनैद और शाह को गिरफ्तार किया है। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। रात का खुलासे क्या है पूरा मामला? तो दिनांक 24 मार्च को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक शहीदन बम्बे पे कुंडल लूट की घटना हुई थी, जिसमें मॉर्निंग वॉक पे एक महिला जा रही थी और उसका एक कुंडल किसी ने 2 बाइक सवार युवकों ने छीन लिया था। तो इसी पे हम लोग तफ्तीश जब कर रहे थे, जब CCTV एनालाइज किए गए तो उसमें एक व्यक्ति हमें दिखा, 2 व्यक्ति दिखे बाइक पे, तो उनमें से एक की पहचान हम कर पाए जिसका नाम है अकील। अकील की पहचान उसकी शर्ट और जो मुखबिर वगैरह से जब पूछा गया मैनुअली तो उसमें अकील की पहचान हुई। अकील को जब उठाया गया तो उन्होंने बताया कि उसके और साथी भी इसमें शामिल हैं, जुनैद यहाँ पे खड़े हुए हैं और शाद। तो ये लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति और है अनस। तो ये चारों लोग नुमाइश से पहले बाइकें चोरी करते थे, जो बाइक खड़ी रहती है पुरानी बाइक जिनके लॉक खराब हो चुके होते हैं उनमें चाबी लगा के उनको चोरी करते हैं, फिर उन चोरी की बाइकों से ही लूट की घटनाएं कारित करते हैं। इसमें इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये मोबाइल भी चोरी करते हैं और कुंडल भी, मोबाइल भी स्नैच करते हैं और कुंडल भी छीनते हैं। अनस अभी गिरफ्तार चल रहा है, इन तीनों को न्याय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से जो कुंडल इन्होंने लूटा था वो बरामद हुआ है। उसके अलावा हमारे पास 4 मोटरसाइकिलें, 2 के मुकदमे में कोतवाली नगर में लिखे हुए हैं, 2 को तस्दीक करना अभी बाकी है और 2 तमंचे, 1 छुरी भी दोनों से बरामद। मैम कोई आपराधिक इतिहास है इनका? हाँ, इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। इन लोगों ने इनमें से इन दोनों ही व्यक्तियों ने, जुनैद, आकिल, शाद, इन पे विभिन्न चोरी और लूट के मुकदमे हैं। पिछली नुमाइश भी इन लोगों ने बाइकें चोरी करी थी और इस तरीके से मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया।